टिमटिम नगर गांव में सभी गांव वाले एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहा करते थे। एक दिन उस गांव में ऐसी काली बादल छाती है जिससे कि सारे गांव वाले सतर्क हो जाते। रात हो चुकी थी और मौसम खराब अचानक से हो जाता है। जंगल से सारे पशु पक्षी भटकते हुए उस गांव में आ रुकते हैं। उस गांव के लोग मौसम खराब के वजह से अपने अपने घर के अंदर छिप गए थे और बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदें पशु पक्षी पर पड़ने शुरू हो चुके थे। कुन्नू कबूतरी की तीन बेटियां ना जाने कहां भटक चुकी थी। तभी वो अपने पति से डांट लगाते हुए कहती, आप तो ऐसे करते हो जैसे ये तीनों बेटियां सिर्फ मेरी हैं। आप बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं रखते। आपको भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है और कब आएंगी। इतनी रात हो चुकी है और हम लोग अपने घर से बहुत दूर आए हुए हैं। कुन्नू कबूतरी का पति उसे समझाता और कहता है, हमारी बच्चियाँ बहुत बहादुर हैं, वो लोग झट से आ जाएंगी, तुम परेशान मत हो। इन दोनों की ये आपस की नोकझोंक अभी जारी ही थी कि तब तक उनकी तीनों बेटियां आती और जंगल में हो रही तेज बारिश की खबर उन्हें देती। ये खबर सुन दोनों चकित हो जाते कि इस गांव में अभी तो बारिश की एक बूंद आ रही है धीरे धीरे और जंगल में बारिश का कहर आ चुका है। उन्हें पता नहीं था तीनों बच्चियां बारिश में भीगने की जिद करने लगती। कबूतरी मना करती लेकिन उसका पति फिर अपनी बच्चियों को ऐसे जिद करता देख उन पर दया खा के जंगल में जाने के लिए इजाज़त दे देता और कहता, क्यों ना इस बार बारिश के मौसम में हम लोग भी चले और बारिश में भी के इस बार की बारिश की मज़े ले। कबूतरी भी तैयार हो जाती। उन सब का ये सारी बातें दूर बैठी दो सर वाली एक चिड़िया सुन रही थी। तीनों बच्चियां झट झट सुंदर वन जंगल के पास आ जाती अपने माता पिता को छोड़ के। उन्हें वहाँ पर दो जुड़वा टुन्नी चिड़िया दिखाई देती जिनका नाम चिंकी मिंकी रहता है। चिंकी मिंकी चिड़िया को देख वो लोग हंसते हुए कहती, क्या तुम लोग भी हम लोग की तरह जुड़वा हो? देखो तुम दोनों बहन जुड़वा हो और हम तीनों बहन एक जैसे ही दिखते हैं। इतना कहती वो तो चिंकी मिंकी कोई जवाब नहीं देती और आपस में सुरीली गाना गाते हुए बारिश के मज़े ले रही थी। तभी कुन्नू कबूतरी की तीनों बेटियों को ऐसा लगता कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और वो लोग वापस अपने मम्मी पापा की ओर भागते तो देखते ही देखते वहाँ पिशाचिनी आती और उनको अपने शक्तियों से पास बुला के सबको गायब कर देती। कुन्नू कबूतरी बेटियों को ढूंढते हुए आती तो वहाँ पिशाचिनी को देख घबरा जाती और उससे कहती, मेरी बेटी को छोड़ दो। पिशाचिनी हंसते हुए कहती, कितने दिनों से मैंने इंसान का सर नहीं खाया। अच्छा हुआ कि तुम्हारी तीन बेटियाँ थीं, अब जाके मेरा पेट भरा है। ये तीन सर देख रही हो तुम, मेरा तीनों सर को आज खाना मिल गया। कुन्नू कबूतरी भागती तो पीछे उसे पिशाचिनी चिड़िया दिखाई देती। उस चिड़िया से वो मदद मांगती और कहती, बहन तुम तो हमारी प्रजाति की हो, मदद करो, मेरी बेटी लौटा दो। भूतिया चिड़िया हंसते हुए कहती, मैं भी इनकी गुलाम हूँ, कुछ नहीं कर सकती मैं। इतना कह वो एकदम उदास वहाँ से भाग जाती। सुबह हो जाती और उसी झोपड़ी के पास मुखिया की बेटी एक गरीब लड़की से बातें कर बैठ रही होती। तभी गांव वाले आते और उसे रात की घटी घटना के बारे में बताते और मदद की गुहार करते, ये कहते हुए कि आज ये घटना पशु पक्षियों के साथ घट गई है, अगर कल जाके हमारे साथ घटती है तो हम लोग क्या करेंगे। मुखिया की बेटी बात को समझने की कोशिश करती और फिर उसे समझ आता कि ये लोग पिशाचिनी की बात कर रहे हैं, पर उसे यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पे रोते हुए कुन्नू कबूतरी आती और मदद मदद चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती, अपनी बेटियों को बचाने की बात उससे कहती, क्योंकि वो मुखिया की बेटी थी तो शायद किसी तांत्रिक से मिल के उसकी बेटी को वापस लौटा देती। पर मुखिया की बेटी ऐसे कुन्नू कबूतरी को रोते हुए और बिलखते हुए देख आंखों में आंसू भर उसे समझाने की कोशिश करती। गांव वाले भी आते और उससे समझाते
उसका रोना किसी से नहीं देखा जाता। इंसान हो या पशु पक्षी, माँ तो माँ होती है। उसकी तड़प खत्म नहीं हो रही थी। तभी गाँव वाले कुन्नू कबूतरी को समझाते और उससे वादा करते कि वो लोग मिलके एक तांत्रिक पापा को जानते हैं, उन्हीं को बुलाएंगे और उसकी तीनों बेटियों को वापस दिलाएंगे। कुन्नू कबूतरी को वो लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं और ये भी समझाते हैं कि वो बिल्कुल सही जगह पे आई है। वो जिस लड़की से बातें कर रही है वो इस गांव की मुखिया साहब की लड़की है, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुन्नू कबूतरी उन लोगों की बात सुन थोड़ा सा हिम्मत बांधती और थोड़ी लंबी लंबी सांसें खींचते हुए उनसे मदद की बार बार गुहार करते रहती है। मुखिया की बेटी कहती कि अब आप मुझे बताएं कि आपकी बेटियां इस जंगल में कैसे आ गई, क्योंकि आप लोग तो टूनपुर में रहा करती हैं। तभी कुन्नू कबूतरी रोते हुए कहती, मेरी बेटियां बहुत शैतानी करती हैं, तीनों एक साथ जन्म ली हैं, इसलिए आपस में फुसफुस करके वो लोग प्लान बना लेती हैं और कहीं निकल जाती हैं। तांत्रिक वहाँ आ जाता और तांत्रिक बाबा आने के बाद अपना तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं। तंत्र मंत्र से वो देखने की कोशिश करते हैं कि कुन्नू कबूतरी की तीनों बेटियों को कहाँ रखा गया है। सारे गांव वाले डर से साइड हो जाते कि कहीं पिशाचिनी ना आ जाए। मुखिया जी की बेटी को भी वो जाने को कहते हैं, वो भी चली जाती और अचानक वहाँ पिशाचिनी आती। पिशाचिनी आके तांत्रिक को पूजा रोकने की जिद करती और कहती, अगर तू पूजा अभी नहीं रोकता तो मैं तेरे सारे खानदान को ख़त्म कर दूंगी। तांत्रिक उसका ऐसे छोटी मोटी धमकी पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता। उसे पता था कि पिशाचिनी गुस्से में ये सब कह रही है और उसकी तंत्र विद्या ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। कुन्नू की तीनों बेटियां वहां आ चुकी थी सामने। अब बस उन्हें कुन्नू की ज़िंदगी में वापस नहीं भेजना था, क्योंकि चुड़ैल की जैसे जैसे शक्तियाँ कम हो रही थी वैसे वैसे वो अपना आपा खोई जा रही थी। वो तांत्रिक उसे अपनी हवन कुंड की अग्नि से ऐसी मंत्र पढ़ के बोलता जिससे कि पिशाचिनी एकदम मजबूर हो जाती उसकी तीनों बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए वापस करने के लिए, और उसका भूख अधूरा का अधूरा ही रह जाता। गुस्से में वो ये कहती कि आज तो तुम इनकी तीनों बेटियों को बचा लिया, लेकिन मैं अगर एक बार शक्तिशाली हो जाती तो इस बार मैं इसकी माँ को भी खा जाऊंगी। इसने ही पूरे गांव में शोरगुल करके तुम्हें यहाँ बुलाया था, इसलिए इसकी तीनों बेटियाँ बच गई। ऐसे करके कुन्नू कबूतरी की तीनों बेटियाँ बच जाती और फिर वो वापस टूनपुर की ओर चली जाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।